मैं नौकरी करता था, जॉब करता था, तो उससे थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ। अपनी लैंड भी पड़ी थी, तो सोचा कि क्या नाम है, कुछ लैंड का फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने बटेर फार्म का करने की सोची, तो मैंने किया ये पहले छोटे लेवल पर। जो मैं देख रहा हूँ 3 शेड हैं आपके यहाँ बने हुए, अभी आपके यहाँ पर कितने बर्ड हैं? ये लगभग 25,000 हैं, 25,000। ये मैं आपसे अगर मंथली का एवरेज बताऊँ तो हम 3 से 4 लाख रुपये कमा लेते हैं महीने का। महीने का पर कितने चिक्स बेच लेते हैं महीने में आप? महीने में हम लगभग बेच लेते हैं इसमें 1 लाख से प्लस। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में अरशद खान जी के फार्म पर, जो पिछले 2 साल से बटेर फार्म कर रहे हैं, जिसका इनको एक अच्छा तजुर्बा है। तो अरशद भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी मेरा नाम अरशद खान है और मेरे फार्म से हूँ सकअप पोल्ट्री फार्म, ठाकुर द्वारा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में लगता है। आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी मैं BCOM के हूँ, ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएट हैं जी। बटेर फार्म का विचार कैसे आया? नौकरी से मैं नौकरी करता था, जॉब करता था, तो उससे थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ। अपनी लैंड भी पड़ी थी, तो सोचा कि क्या नाम है, कुछ लैंड का फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने बटेर फार्म का करने की सोची, तो मैंने किया ये पहले छोटे लेवल पर। छोटे लेवल से क्या मतलब है आपका? लगभग 5,000 उस पर। 5,000 बर्ड से आपने शुरू किया जी, था जी। अच्छा, और अभी आपके यहाँ पर कितने बर्ड हैं? लगभग 25,000 हैं, 25,000। ये एरिया जो आपके फार्म का, कितना लैंड एरिया है? ये लगभग 1 एकड़ से प्लस है। अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ 3 शेड हैं आपके यहाँ बने हुए, शेड जो हैं आपके, इनका क्या लंबाई चौड़ाई है थोड़ा बताइए। ये लगभग 1 शेड की लंबाई और चौड़ाई है, 20 फुट चौड़ा है और 96 फीट लंबाई है। कितना खर्चा आया था इनको बनाने में? ये तीनों शेड बनाने में लगभग हमारे 5 से 6 लाख रुपये आ गए इसमें। 5 से 6 लाख आए। जो आपके पास बर्ड हैं इनको आप फीड में क्या देते हैं? फीड में हम इन्हें जैसे 1 दिन से लेके 10 दिन तक 12 दिन तक तो देते हैं प्री स्टार्टर जी। फिर उसके बाद में 35 दिन तक 30 दिन तक लगभग स्टार्टर देते हैं। फिर उसके बाद में जब ये एग पे आ जाती है, अंडे पे, तो लेयर देते हैं इन्हें। जो आपका ये मॉडल है वो कौन सा मॉडल है? ये हमारा चिक्स सेल करते हैं इसमें 1 डे 10 डेज, और तैयार करके भी बेचते हैं हम, और आपका मीट भी बेचते हैं इसका। तो आप कैसे तैयार करते हैं इनको? इनको ऐसे करते हैं, हम इनके अंडे रखते हैं, हमारे पास हैचरी मशीन है, हैचरी में रखते हैं, फिर जो अपना चिक्स से सेल होते हैं सेल कर देते हैं, वरना अपना क्या नाम है स्टॉक कर लेते हैं, बड़े होने पर उन्हें में कर देते हैं या लाइव भी बेच देते हैं। आपकी जो हैचरी है क्या कैपेसिटी है उसकी? 90,000। 90,000 बर्ड की कैपेसिटी की है? 90,000 एक लगता है उसमें। तो अभी आपके पास कितने अंडे आ रहे हैं रोज? लगभग 6 से 7 हज़ार। अच्छा, कितने कितने दिन में लगाते हैं स्लॉट उनके आप? ये हम 4 दिन का अंडा लगाते हैं। 4 दिन का जी, तो लगभग 20,000 के आसपास आप लगाते हैं? 20,000 के आसपास लग जाता है जी। अच्छा भाई जी, ये बताइए आपके पास बर्ड कैपेसिटी 25,000 है, आप कह रहे हैं अंडे 6,000 आते हैं जी, क्या वजह है? वजह ये है, एक तो इसमें लगभग देखा जाए तो लगभग 35% तो मेल है इसमें। अच्छा, 35% जी। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि कुछ बटेर अभी अंडे पे आने वाली हैं तो बढ़ेगा प्रोडक्शन जी, एक प्रोडक्शन बढ़ेगा जी। और कुछ ऐसा होता है, कुछ देती हैं, कुछ रुक जाती हैं, कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए रुक, फिर देना शुरू कर देती, तो इस वजह से अप डाउन रहता है इसमें एग में जी जी। अच्छा ये बताइए, कोई हारी बीमारी इसमें? इसमें बीमारी नहीं है कुछ, कोई बीमारी नहीं है, कोई वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं है इसमें। तो वैसे कुछ देते हैं आप मेडिसिन इनको, मल्टीविटामिन वगैरह? मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं, जैसे वाइमराल और लिक्सिन वगैरह एंटीबायोटिक, जैसे थोड़ा मौसम चेंजिंग के तौर पे या उसमें जी। अच्छा, ओवरऑल कैसा लगा आपको ये काम? काम बढ़िया ही है और प्रॉफिटेबल है, अच्छा काम है। जो आप एक दिन का चूजा बेचते हैं जी, वो कितने का देते हैं? वो 10 दिन का देते, 10 रुपये का देते हैं, सॉरी 10 रुपये का देते जी। हैं बड़ा चूजा भी बेचते हैं आप? जी 10 दिन का भी बेचते हैं। वो क्या रेट बेचते हैं? वो 20 रुपये का देते हैं। 20 रुपये का जी। कई लोगों की ये शिकायत आती है, उन्होंने फार्म तो कर लिया, बटेर भी ले आए, पाल भी ली, बड़ी हो गई, सेल में प्रॉब्लम आती है, क्या वजह है? उसकी वजह यह है, पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी इसकी, मार्केट पहले आपको बनानी पड़ेगी ठीक। जब मार्केट आपकी बन जाएगी तो फिर उसके बाद में आपको सेल आसानी से कर हो जाएगी आपकी, खुद बनानी पड़ती मार्केट इसमें। मतलब यदि कोई भाई करे तो पहले अपने यहाँ देखे कि उसके यहाँ बटेर सेल भी हो पाएगी या नहीं। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि अगर सेल नहीं है तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा, और प्लानिंग मेन चीज़ है, प्लानिंग जी। आपने कैसे प्लानिंग की थी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये मैंने पहले 5,000 बर्ड से शुरुआत की थी इसकी, और मैंने मार्केटिंग की, मार्केटिंग में मैंने देखा, टारगेट किया मैंने कुछ केटर्स को, रेस्टोरेंट को, और आपके बैंक्वेट हॉल वगैरह के मैनेजर को, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, जिनसे मीट वगैरह भी गया मेरा और लाइव बटेर भी गई। थोड़ा मैंने डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग किया, जैसे यूट्यूब पर
और फेसबुक पर आजकल वही दौर है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली और पॉपुलर होते गए और अब आसानी से बिक जाती है हमारी सेल वगैरह। बटेर तैयार होने में कितना समय लेती है अंडों पे आने में? ये मीट इसके खाने लायक तो 35 दिन में हो जाती है तैयार, लेकिन अंडे पे आती है ये लगभग 45 से 50 दिन में। जी। और साल भर में अंडे का क्या एवरेज होता है एक बटेर का? 300 अंडे दे देती है। जी 300 अप्रोक्स। जी अच्छा, जो आप हैचरी में लगाते हैं कितने दिन में अंडे से बच्चे आ जाते हैं? 17 दिन में आ जाते हैं। जी आ जाते हैं 17 दिन में। जी अच्छा, जो आपकी हैचरी है जो आप अंडे लगाते हैं, हैचबिलिटी क्या रहती है? हैचबिलिटी 75% से 80% तक। अच्छा इतने निकल आते हैं। मान लिया आपने 1000 अंडे लगाए तो उसमें 700 से 800 आपके बच्चे आ जाएंगे। जी जो चिक्स हैं आ जाते हैं। जी आ जाते हैं। अच्छा इतना बड़ा आपका फार्म है और 90,000 कैपेसिटी आपकी हैचरी है। जी भाई सेल करते हैं, बातों में तो सेल होते नहीं है, सही कैसे कैसे सेल करते हैं और कहाँ कहाँ आपका माल जाता है, थोड़ा इस बारे में बताइए। ये हमारे जो है हमसे कई सारे फार्मर से जुड़े हुए हैं। जी जैसे फार्मर से तो उन्हें अपना चिक्स वगैरह देते हैं। अच्छा हमारी जो है मार्केट में हम जैसे गाज़ीपुर मंडी में भी बेचते हैं माल, और कई सारे रेस्टोरेंट वगैरह हमसे जुड़े हुए हैं तो रेस्टोरेंट में भी हमारा जाता है। कई सारे कैटर्स हैं, जैसे शादी ब्याह का ऑर्डर वगैरह रहता है तो उसमें भी हम देते हैं मीट वगैरह, तो ऐसा हमारा सारा माल सेल होता है। वो तो आप बड़ा बर्ड बेचते हैं। जी जो डे ओल्ड चिक्स और आप 10 दिन का तैयार करके बेचते हैं वो कैसे बेचते हैं? वो फार्मर्स को देते हैं, फार्मर्स को जाते हैं, फार्मर्स अपना बड़ा करके बेचते हैं। आपने बताया कि फार्म की कंस्ट्रक्शन में आपने 5-6 लाख रुपया लगाया। जी बिल्कुल। जमीन आपकी अपनी है? जी अपनी है। ठीक है, हैचरी भी आपकी अपनी है? हाँ हैचरी खरीदी। तो हैचरी आपने जब खरीदी कितने की हैचरी ली? ये लगभग 8 से 10 लाख रुपए की। मतलब लगभग आपका 8 से 10 हो गया, 5 से 6 हो गया, 18 लाख के आसपास आपने इसमें इन्वेस्ट किया। जी और भी है इन्वेस्ट, जबकि बर्ड भी लाए, फीड भी देते हैं। फीड भी और भी है, जैसे आपको हैचरी लगाने के लिए जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी जी, क्योंकि इसमें जो है लाइट नहीं जानी चाहिए जी। फिर आपको प्लस बैटरों की इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें भी इन्वेस्ट है, तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट हुआ इसमें। मतलब एवरेज आपका 20 लाख के आसपास आपने इसमें खर्च किया, प्लस में ही हुआ 20 से। जी जी जी। उसके बाद में आपकी इनकम शुरू हुई? जी उसके बाद में इनकम। तो चलो इनकम पे ही आ जाते हैं। आपने इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ, तो एनुअली पूछूं या मंथली पूछूं, आप दोनों तरह से बता सकते हैं क्या कमाते हैं आप? मुझसे मंथली पूछिए, मैं आपसे अगर मंथली का एवरेज बताऊं तो हम 3 से 4 लाख रुपए कमा लेते हैं महीने का। पर कितने चिक्स बेच लेते हैं महीने में आप? महीने में हम लगभग बेच लेते हैं इसमें आपके लगभग 1 लाख से प्लस। 1 लाख से प्लस चिक्स बेचते हैं आप? जी जी। प्लस अपना बड़ा बर्ड भी बेचते हैं? जी अपना बड़ा बर्ड भी बेचते हैं। और यहीं से बिक जाता है? यहीं से बिक जाता है। जी दर्शकों, अरशद भाई ने 2 साल पहले 5,000 बर्ड से अपना फार्म शुरू किया था, जो कि ये कह रहे हैं इन्होंने छोटे लेवल से किया था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इनके लिए 5,000 छोटा है, हो सकता है आपके लिए वो छोटा 100 बर्ड हो, जैसे आपकी कैपेसिटी हो या जिस हिसाब से आप अपनी मार्केट सर्च कर पाएँ या देख पाएँ कि आपका बिकेगा कहाँ और आप उसे बेच पाएंगे। हमारी जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पज़ से है, आप पहले अपनी मार्केट सर्च करें, आपको लगता है कि आपको किसी मदद की ज़रूरत है, अरशद भाई से आपको कोई मदद चाहिए तो इनका फार्म आपके लिए हमेशा खुला है। तो ये थे हमारे साथ में अरशद भाई, जिन्होंने आपको अपने बटेर फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।